जयराम तुम्हें काम करो, छोड़ो आम करो। जनता ने नकारा है, झूठ का पिटारा है। महामहिम राज्यपाल जिन्होंने आज जो है अभिभाषण शुरू किया यहाँ पे, और हम ये देख रहे हैं अभिभाषण पूरी तरह झूठ और फ्रेब का एक दस्तावेज है। पूरी तरह जो है झूठ पत्र जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा जा रहा है। का कार्यकाल मना रही और आज हिमाचल प्रदेश में 557 आईसीयू बेड्स हैं, क्या झूठ है इसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के आने से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रुखसत हुई, हमारी सरकार सत्ता में आई तो 3000 से भी कम थे, लगभग 2800 के लगभग। और वर्तमान में ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे पास 17000 हैं, क्या झूठ है? अगर नए इनिशिएटिव लेने की अगर हमने बात कही है, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में सिफर था इस दृष्टि से काम। आज हिमाचल प्रदेश में हमने 41,500 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे, एमओयू में से ग्राउंड ब्रेकिंग 41,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी। 13,500 करोड़ रुपए की अमीषा जी ने की, 28,000 करोड़ रुपए की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, इसमें क्या झूठ है? अगर आज हिमाचल प्रदेश में एसडीएम के दफ्तरों की संख्या क्या सब 78 के लगभग है, जिसमें 7 एसडीएम के दफ्तर हमारी सरकार ने खोले। हिमाचल प्रदेश में 2 कॉरपोरेशन हुआ करती थी, एक शिमला एक धर्मशाला, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आज 5 कॉरपोरेशन है जिसमें से 3 हमारी सरकार ने खोले। पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में एक भी पंचायत का गठन नहीं हुआ था, हमने 415 पंचायतों का, नई पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में किया, नगर परिषदों का किया, नगर पंचायतों का किया, पीडब्ल्यू के डिवीजन, बीडीओ ऑफिस, जल शक्ति मंत्रालय के डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सब तहसील, तहसील, सारी चीजों का जिक्र एक एक आंकड़े के साथ जो है महामहिम राज्यपाल मोदी जी के अभिभाषण में किया गया, उसमें झूठ क्या है बताएं तो सही। और जनता को और सारी विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है। ये कहते हैं कि सेवा और सिद्धि के 4 साल हैं, और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की नाकामी और बर्बादी के ये 4 साल हैं, 4 साल बर्बादी के 4 साल हैं, और आर्थिक तौर पे दिवालियापन के कगार पे पहुंच गया। ये कह रहे हैं कि आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा हमने किया है, और आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे महीने जो है कितना भारी भरकम कर्जा लिया जा रहा है। इसलिए ये जो आर्थिक तौर पे जो इन्होंने ये कहा है कि अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, ये पूरी तरह झूठ है और जनता को गुमराह करने वाला है। और जिस प्रकार का वो जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, महामहिम राज्यपाल मोदी जी के अभिभाषण में तमाम वो चीजें थी जो हमने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सेवा करते हुए समर्पित की। इसमें कौन सा झूठ का पुलिंदा उनको लग रहा है, कौन सी बात झूठ है? और इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, हर जगह ये इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बातें कही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 13-14% बेरोजगार हो गया है, 14-15 लाख जो बेरोजगार जो है सड़कों पे हैं, लोग जो है नौकरियों के लिए करा रहे हैं, और ये जो है चोर दरवाजे से अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को लेकर पूरी तरह झूठ जो है सारा सत्र में रखा जा रहा है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बागवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और जो पिछली दफा बजट डॉक्यूमेंट आया था, बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई थी वो कोई भी बात जो है, वो कोई भी बात यहाँ पे जो है रखी नहीं गई है। प्रधानमंत्री जी का आना हिमाचल प्रदेश में,
चाहे वो अटल टनल के लिए आए, इनॉग्रेशन के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला आए, चाहे एक साल के कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला आए, चाहे चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए। हिमाचल के इतिहास में 11,500 करोड़ रुपए का के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में एक स्थान पर एक समय में किए गए। और इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में बीच में चले जाना और ये कहकर के झूठ का पुलिंदा है। अगर हिम्मत है कांग्रेस के लोगों में तो इन तथ्यों को झुठलाएं, लोगों के सामने अपनी बात कहें, क्योंकि उन्हें तो सत्ता में आना नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। तो इसलिए अपनी परंपरा को वो जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि उन्हें सत्ता में होना नहीं है। तो इसलिए यही जो किया जा सकता है वही कर सकते हैं।